वेलकम टू कैंपस केयर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम IDP सॉलिड 510D प्रिंटर हेड का जो हेड है वो क्लीन कर सकते हैं। सो उसके लिए ओपन द प्रिंटर फर्स्ट। सबसे पहले हेड क्लीनिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप अपने प्रिंटर को मेन पावर से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हेड क्लीनिंग करने के लिए वी कैन यूज अ हेड क्लीनिंग पेन और वी कैन यूज अ हेड क्लीनिंग स्वाइप ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं हेड क्लीनिंग पेन का यूज कर रहा हूँ। पेन यूज करने से पहले आप उसे किसी सरफेस पे चेक करेंगे, इट नीड टू बी वेट। अगर आपका पेन जो है वेट आ रहा है तभी आप उसे प्रिंटर पे यूज कर सकते हैं। सो ये वाला पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ प्रिंटेबल एरिया ऑन हेड जिसे कि आपको क्लीन करना है। हेड क्लीनिंग पेन को यूज करने के लिए आपको इसे प्रिंटर के हेड पर इस तरह से प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद इसे आपको एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना है और इसे आप क्लीन पेपर पर इस तरह से साफ कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 टाइम्स प्रिंटेबल एरिया पे अपने पेन को प्लेस कीजिए और उसे एक डायरेक्शन में मूव कीजिए लाइक दिस। नेक्स्ट विद द यूज ऑफ हेड क्लीनिंग स्वाइप। हेड क्लीनिंग स्वाइप के केस में आपका ये जो स्ट्रॉ है दिस कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड, तो आप इसे जैसे ही ब्रेक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो वेट हो जाएगा और फॉर्म वेट होने पर ही आप इस तरह से हेड के ऊपर अपना स्वाइप प्लेस करके उसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस के 2 to 5 मिनट्स के बाद आप अपना प्रिंटर जो है वो पावर कनेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। Thank you so much.